वेलकम टू करियर हैक्स। मैं अतुल राघव आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। लेटेस्ट वीडियो एंड अपलोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो हाय फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने वेट ज़्यादा करवा दिया रिजल्ट देने के लिए, लेकिन बेसिकली ऐसा है कि मेरे साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो टाइम की ही है। अब तक तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, ठीक है, चाहे वो पेड क्लासेस हो या यूट्यूब वीडियोस हो या फिर कुछ भी हो। तो हम टाइम निकाल के आज बताते हैं कि कौन कौन है जो विनर है। बेसिकली मैंने कहा था कि मैं टॉप 10 निकालूंगा जिन्होंने हर चारों क्वेश्चन में जो सही आंसर दिए होंगे और जो टॉप 10 होंगे वो फिल्टर करूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा काम रहा और हुआ ये कि लाइव चैट मुझे वापस मिली भी नहीं कि कहाँ हमें मिलती है, ठीक है, क्लोज करने के बाद नेक्स्ट डे। लेकिन मैंने जितने कमेंट थे लगभग सारे कॉपी कर लिए थे तो इजी रहा, और 10 मुझे लगा कि अगर सिर्फ 10 जनों को मैं ऑफर देता, कोई प्रोमो कोड या कोई डिस्काउंट देता तो थोड़ा गलत हो जाता, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए और अगर मैं सही जवाब देखूँ तो कम से कम 45 बंदे ऐसे थे जिन्होंने सही जवाब दिए थे, 45 से 50 बंदे जिन्होंने लगभग चारों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सही जवाब दिए ही थे, ठीक है। उनका सीक्वेंस ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज था, कोई 91 पे था, कभी किसी क्वेश्चन में कोई 10 के टॉप 10 के अंदर था, कोई टॉप 10 के बाहर था, तो ये चीज़ें थी प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैंने 20 नेम्स अलग से कैटेगराइज किए हैं, कैटेगराइज इन द सेंस अलग से निकाले हैं, सेलेक्ट किए हैं 20 नेम्स। उन 20 नेम्स को मैं ऑफर कोड दूंगा, प्रोमो कोड दूंगा, ताकि वो मेरी वेबसाइट से या फिर मुझसे ट्यूटोरियल्स जो है मेरे वो बहुत कम कॉस्ट में ले सके। मैं उन्हें 70% ऑफ पर ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, जो कि मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और वो 20 नेम्स जो है वो ये रहे आपके स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ ये 20 नेम्स हैं, इन 20 नेम्स से जो भी बंदे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना मेल आईडी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेल पर उनके पास एक प्रोमो कोड जाएगा, ठीक है, जिसे वो मेरी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं और उन्हें जो भी वो ट्यूटोरियल लेना चाहें उसमें 70% का डिस्काउंट उन्हें मिलेगा, ठीक है। वेबसाइट कौन सी है मैं बता देता हूँ, ओके, ये वेबसाइट है www.careerhacks.in। यहाँ पर जो अवेलेबल ट्यूटोरियल्स हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा ट्यूटोरियल्स नहीं अवेलेबल और हो सकता है कई ट्यूटोरियल्स आपने ले भी रखे हों, ठीक है, तो जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें आपको 70% ऑफ मिलेगा। सिंपली आपको कल क्लिक करना है और बाय करना है, प्रोसीड करना है, जो मैं आपको कूपन कोड दूंगा आपको यहाँ पेस्ट करना है। आप जब इसमें पेस्ट करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 70% लेस हो जाएगा, ठीक है। और उसका पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, आप पेटीएम से कर सकते हैं, मेरे को कॉल करके कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब जब हमने लाइव सेशन किया था इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, मैंने कई क्वेश्चंस निकाले हैं, क्वेश्चंस जिनके मुझे जवाब देने हैं, कई 23 क्वेश्चंस है जिनके मुझे जवाब देने हैं और किसने पूछा है इवन वो भी मैंने लिखा है इसमें, तो 23 बंदों के जवाब देने हैं। सारे मैं आज नहीं दूंगा, आज सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा और देन जितने जितने हमारे वीडियोस बनते जाएंगे उनमें सबसे पहले मैं इन क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, ठीक है, जवाब दूंगा कि इन चीज़ों में कैसे होता है। अगर मुझे लगता है सॉफ्टवेयर पे कुछ करके दिखाना है तो मैं सॉफ्टवेयर पे करके दिखाऊंगा, जैसा कि आज मुझे लगता है शटर स्पीड मुझे समझाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की नीड है तो मैक्स हमारा ओपन है, इस पर हम करेंगे। और ये जो 20 नेम्स हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में भी, ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिखे मिल जाएंगे, ठीक है। और इन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मेल आईडी आप लिखेंगे तो आपके पास प्रोमो कोड आएगा, ओके, तो सेव, ओके, क्लोज। सबसे पहले हम देखते हैं आज शटर स्पीड्स। शटर स्पीड बेसिकली आपकी जो है वो बेसिकली एनिमेशन से रिलेटेड एक टूल है, ठीक है, जो कि आपको मिलता है कैमरे में।
एक बेसिक सी चीज हम समझते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट को 0 से 100 तक आना है, ठीक है, और इसे स्मूथ दिखाना है, तो हमें एनिमेशन में यहाँ पर जो हमारी की फ्रेम है, ठीक है, FPS फ्रेम पर सेकंड, वो हमें 30 रखनी होती है अगर 1 सेकंड का एनिमेशन हमें क्रिएट करना है तो, ठीक है। अगर आप 30 फ्रेम से कम फ्रेम रखते हैं, जैसे कि 10 फ्रेम रखा, तो ये एनिमेशन रेंडर होते वक्त क्या होगा, आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, आपको जर्क खाता हुआ सा दिखाई देगा, झटके लगते हुए से दिखाई देगा, ये स्मूथ नहीं आएगा, ठीक है। तो सेम चीज हमारी शटर स्पीड में होती है, ठीक है। मैं एक स्टार बना देता हूँ, ठीक है, मैं स्टार ले लेता हूँ, लाइक अ फैन, जे ये आपके सिलेक्शन ब्रैकेट्स होते हैं, आप सिंपली इस पे दे दीजिए एक्सट्रूड, ठीक है, आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं, मैं एक दे देता हूँ, जे सिलेक्शन ब्रैकेट ऑफ। मैं एक कैमरा लगा लेता हूँ, सिंपली कंट्रोल सी, मैक्स अगर आपके पास 2014 के बाद का है, 15 16 17 18 है, तो कंट्रोल सी करने से आपका मैक्स का फिजिकल कैमरा लगेगा, शिफ्ट एफ प्रेस करने से आपकी सेफ फ्रेम ओपन होती है, जिस सेफ फ्रेम को आप रेंडर करना चाहते हो वो, ठीक है। आ गए हम हमारे व्यू में, शिफ्ट सी से आप कैमरा हाइड कर सकते हैं, और आप यहाँ पर रोटेशन कीज लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे इनिशियल आपको चाहिए कि ये रहे यहाँ पर, ठीक है, और 30 फ्रेम पर ये आपके रोटेट हो जाए। वैल्यूज नीचे देखिए, आपकी वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। अब ऑटो की आपकी ऑन होनी चाहिए थी, नहीं तो आप मैनुअल की लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपकी ये है, ओके, और यहाँ आकर ये रोटेशन आपने दे दिया दुनिया भर का। कहा गया माउस हमारे पास यही है, और हमने किया प्ले, ये अब घूम रहा है, ठीक है। ये पर फ्रेम पर काफी रोटेशन है, ठीक है। ये रोटेशन सही की हमें लगी है या नहीं, हम सिंपली देख सकते हैं हमारे कर्व एडिटर में, ठीक है, राइट क्लिक करके आप कर्व एडिटर देख सकते हैं, ओके। यहाँ आपकी रोटेशन की कीज कहाँ है, आपकी रोटेशन की कीज, वाई कहाँ है, कहाँ गई कहाँ गई, ये रही, ठीक है। तो आपने इस की को सेलेक्ट किया, ये आपको दिखाता है यहाँ पर आपने 13,250 तक की वैल्यू रखी है, और ये 33 फ्रेम का आपका टोटल एनिमेशन है, ठीक है। तो ये मोशन है, एनिमेशन है, ठीक है। अब एनिमेशन में क्या है कि ये स्लोली एनिमेशन स्टार्ट होगा और फास्ट होगा, तो हमें क्या करना है, इसे फ्लैट करना है, तो आप यहाँ से टेंजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्लैट, ओके। तो अब ये स्टार्ट होते ही सेम स्पीड में आपका चलना चालू होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे कैमरा व्यू में, बहुत सिंपल है। अगर आपने प्ले किया है, ये आपको दिखाई दे रहा है, आप चाहते हैं ये आपको सही दिखाई दे, आपको जरूरत से ज्यादा ब्लर ना दिखाई दे, ठीक है, तो हम यूज करेंगे शटर स्पीड, हम प्ले करेंगे शटर स्पीड के साथ, ठीक है। यहाँ अगर आप शटर स्पीड देखते हैं, तो यहाँ अभी ये फ्रेम है, फ्रेम का मतलब ये आपके पास, ठीक है, हर 0.5 फ्रेम में ये शटर क्रिएट कर रहा है। हम पर सेकंड की कैलकुलेशन लेते हैं, जो नॉर्मली स्टैंडर्ड कैमराज में होती है, तो हम पर सेकंड की सेटिंग लेते हैं, और फिलहाल अगर आप इसे रेंडर करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने इसमें मोशन ब्लर ऑन नहीं किया, ठीक है। मोशन ब्लर आपको थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए काम आता है ना। तो हमने मोशन ब्लर ऑन किया, और यहाँ पर लिया है 1 शटर पर सेकेंड, ठीक है, कितने सेकेंड, ठीक है, मतलब पर शटर कितने सेकेंड के पार्ट में, ठीक है, ड्यूरेशन। अगर आपने इसे लो वैल्यू रखा है, कहने का मतलब है कि आपने लो वैल्यू रखा है, और जैसा कि हमने लो FPS वाली बात की थी, फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है, अगर आपने 10 रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके मोशन ब्लर को प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, और फ्रेम्स उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में बनेगी, तो होगा क्या, आपको पंखा ब्लर दिखाई देगा,
अगर आपका बगैर लाइटिंग के रेंडर नहीं आता तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेटिंग्स में आपको जाना है, आपको एक्सपर्ट स्विच करनी है रेंडर सेटिंग, और ग्लोबल स्विचेस में आपको जीआई ऑन कर देनी है, डिफॉल्ट लाइट ऑन कर देनी है विदाउट जीआई, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमने बहुत लो वैल्यू रखी है इसके मोशन की, ठीक है। तो हो क्या रहा है, आपको ये जरूर से ज्यादा डिस्टॉर्ट और ब्लरिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका FPS एक तरीके शटर का क्या है, बहुत लो है, 10 फ्रेम, ठीक है। आपने इसे बढ़ाया 100, ठीक है, टाइप पर सेकेंड कितने हुए आपके, तो अब ये आपको मोशन थोड़ा सा शार्प दिखने लगेगा, वो जो बीच में यहाँ आपको गैप दिखाई दे रहा था वो गैप फिल हो चुका है, और वो अब आपको एक मोशन में अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब अगर आप इसकी शटर और ज्यादा बढ़ाते हैं, जैसे 200 और ज्यादा फ्रेम्स, तो ये इसको और ज्यादा रिफाइन करेगा और ज्यादा स्मूथ बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर हम इसमें और ज्यादा वैल्यूज बढ़ा देते हैं, ओके कैंसिल, थ्री हंड्रेड रेंडर, तो ये आपको और ज्यादा प्रॉम्प्ट और ज्यादा अच्छा दिखाई देगा मोशन में, ठीक है। अब ये हमारे व्यू में कैसे काम आ सकता है, ये तो एनिमेशन की बात हो गई, स्टिल व्यू में कैसे काम करता है। स्टिल व्यू में ये ऐसे काम करता है कि जैसे जैसे आपकी शटर स्पीड बढ़ती है, आपके कैमरे को लाइट एब्जॉर्व करने में थोड़ी थोड़ी तकलीफें बढ़ती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका शटर बढ़ता जाएगा, है ना, तो वैसे वैसे आपको अपने ISO और आपको अपने अपचर के साथ भी प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो ISO, शटर और आपका अपचर जो कि F नंबर होता है, उसके साथ आपको साथ साथ में प्ले करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों तीनों चीजें साथ में काम करेंगे तो आपका आउटपुट प्रॉपर और बढ़िया आएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, आपका सीन डार्क हो जाएगा, आपको ब्राइटनेस का इश्यूज आने लगेंगे, आपको डेप्थ ऑफ फील्ड प्रॉपर नहीं मिलती मिलेगी, क्योंकि अपर्चर से आपका डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी इनके बारे में डिटेल बताई है। बाकी इसमें हम शटर को ही समझ लेते हैं, इसी को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। डिस्क्रिप्शन में जितने भी बंदे हैं, 20 नेम्स मैंने मेंशन किए हैं, उन सबको अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में तो डालनी ही है। ओके, बाय।